नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर किए गए फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 18 जवान शहीद हो गए। हताहतों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ जवानों का एक बड़ा काफिला हाईवे से गुजर रहा था। इस काफिले में सीआरपीएफ की 70 गाड़ियां थी। इसी बीच जवानों से भरी बस पर आत्मघाती हमला किया गया। बताया गया है कि आत्मघाती हमलावर विस्फोटक से भरी कार को लेकर बस के काफिले में घुस गया और जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की जद में 4 बसें आ गईं। ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने काफिले पर गोलीबारी भी की। इस हमले में सीआरपीएफ के 18 जवान शहीद हो गए, जबकि कई घायल हैं। इस मामले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है। आत्मघाती हमलावर का नाम आदिल बताया जा रहा है। इस हमले में हताहतों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका है। खबर समय जगत के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। देश प्रदेश की खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।